9 साल और इस देश के बेमिसाल इसलिए हैं क्योंकि 9 साल पहले के भारत में और आज के भारत में जमीन और आसमान का फर्क है। जो पिछले 70 80 90 सालों में काम नहीं हुए थे, जो भारत की पहचान नहीं थी, उस भारत को 9 वर्षों में जो पहचान मिली है, जो पूरे देश में पूरे विश्व में आज भारत का स्थान चाहे आर्थिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से बढ़ा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। और इन 9 वर्षों में लोगों ने ये जाना है, विश्व ने ये जाना है कि भारत की क्या क्षमता है, भारत क्या कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ों को, वैक्सीन जैसे मुद्दों पे जिस तरीके से भारत आज मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ये 9 वर्ष बेमिसाल हैं। और रही बात हमारी, सवा साल का हमारा कार्यकाल इस हमारे फरीदाबाद विधानसभा में विधायक होने के बाद सवा साल बीते हैं, उन सवा सालों में विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया है। जैसे नगर पालिका को अगर ले लीजिए तो समा माता मंदिर एक बहुत प्रमुख स्थान था, आस्था का केंद्र था, इस जनपद का केंद्र बिंदु है। समा माता मंदिर के पोखरे का निर्माण मैंने शुरू कराया। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या हमारे खलीलाबाद नगर की जो थी वो जल जमाव की थी। जल जमाव को लेकर के जैसे ही मैं विधायक बना वैसे तुरंत यहाँ पे एक जल जमाव का नाला बनवाया कि जिस नाले से जो पानी हमारे नगर में गोला बाजार में इकट्ठा होता था वो पानी सीधे पुलिस लाइन की तरफ चला जाए। एक नाला सीवर का मैंने प्रस्तावित कराया, स्वीकृत कराया, वो नाले का कार्य भी शुरू हो गया है। वो नाला जितने सीवर की समस्या जो हमारे नगर की थी, जो जा करके समा माता मंदिर पोखरे में सीवर का पानी गिरता था, उसके लिए एक नाला बन रहा है और उस नाले का काम तेजी से चल रहा है। निश्चित तौर पे उस काम को भी मैंने स्वीकृत कराया है और काम बहुत तेजी से चल रहा है। निश्चित तौर पे वो खलीलाबाद के लिए एक दिन एक अच्छा काम साबित होगा। रही बात सड़क के क्षेत्र में, सड़क में एक सड़क हमने जिगिना से लेकर के नौरंगिया तक का प्रस्ताव दिया है जो जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। पायल पार से भुवरिया एक सड़क स्वीकृत करा दिया है मैंने, जो करीब 22 करोड़ रुपए की सड़क है। एक बनकटिया पचपोखरी चौड़ीकरण सुंदरीकरण की सड़क प्रस्तावित है, स्वीकृत हो जाएगी इस महीने में। और करीब 70 सड़कें, करीब 68 सड़कें मैंने अपनी विधायक निधि से बनवाई है, जिनका मैं विवरण आप सबको दे दे रहा हूं। 68 सड़कें अपनी विधायक निधि से 68 गांव में काम कराया है, जिससे उन गांव के लोगों को निश्चित तौर पे एक सही रास्ता, आने जाने का सही मार्ग मिल जाएगा। उसी के साथ साथ खलीलाबाद में जो सबसे बड़ी समस्या रोडवेज की थी, उस रोडवेज की समस्या पे हमने प्रस्ताव डीएम के माध्यम से जिले में प्रदेश पे भिजवाया है। जो यहाँ ड्रेनेज खंड 2 की ऑफिस थी, उस ऑफिस को तोड़वा करके रोडवेज की जमीन, उसको रोडवेज के नाम आवंटित किया जाए, रोडवेज को वो जमीन मिल जाए, इसकी एनओसी की प्रक्रिया भी हमने प्रारंभ करा दी है। शासन में इसकी प्रक्रिया चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है, माननीय मंत्री सिंचाई विभाग से भी मेरी बात हुई है और माननीय मंत्री परिवहन से भी मेरी बात हुई है। तीनों लोग एक संयुक्त कमेटी बना करके इस जमीन को प्रस्ताव रोडवेज के नाम से करा रहे हैं। रही बात खलीलाबाद में, कई ऐसी चीजें हैं जो अभी आना चाहिए, लाइब्रेरी हुई, कई ऐसी चीजें हुई जो और खलीलाबाद के विकास में, सौंदर्यीकरण में, नगर पालिका से लेकर के और क्षेत्रों में होना चाहिए, जो अभी मैं प्रोसेस में है, उसको प्रयास कर रहा हूं कि मैं उसको करा दूं। एक बहुत प्रमुख मुद्दा हमारे यहाँ था जिससे हमारे व्यवसायी भाइयों को बहुत समस्या थी, अंडर पास का मुद्दा। उस अंडर पास को हमने स्वीकृत कराया, माननीय सांसद जी के सहयोग से हम लोग गए थे दिल्ली, स्वीकृत कराए। स्वीकृत कराने के बाद उसका काम प्रारंभ हो गया है। एक नगर पालिका के नाले के नाते वो काम रुका है, वो नाला जैसे शिफ्ट हो जाएगा बरसात के बाद, वो काम भी तेजी से होकर के पूर्ण हो जाएगा। इस तरीके से विभिन्न योजनाओं में जो हमारे माताओं को, बहनों को, जो लोगों को अभी जिनके केवाईसी के नाते,
जिनके कोई ना कोई कागज न फिट होने के कारण, जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन, इन सब चीजों में जिनको समस्याएं हो रही हैं, निश्चित तौर पे इस पे काम हो रहा है, इस पे हम काम कर रहे हैं और गांव वाइज कैंप लगा करके इन समस्याओं को भी दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पे इसको दूर करूंगा। कहने पे आपने देखा होगा मेरे विधायक होने के पहले जो स्वास्थ्य के अपने यहाँ खलीलाबाद का चिकित्सालय था, जिला चिकित्सालय, उसकी व्यवस्थाएं बहुत खराब थी, बिल्डिंग जर्जर की स्थिति में पहुंच रही थी। मैंने ही उस पर स्वीकृत कराया कि वार्डों की व्यवस्था कुछ सही हो, रंगाई पोताई बिल्डिंग की फिर से हो जाए, बिल्डिंग की मरम्मत हो जाए और निश्चित तौर पे जो कमियां और स्वास्थ्य विभाग में हैं, उन कमियों को भी निश्चित तौर पे इन एक वर्षों में मैं पूरा करूंगा और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की समस्याएं आए दिन होती रहती है, आपने कुछ पहल किया था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, विद्युत को लेकर के हमने जो जर्जर पोल है, जर्जर पोल हमारे, एक तो जो हमारा नगर है खलीलाबाद गोला बाजार से लेकर के और सुगर मिल तक, और यहाँ बाईपास रोड जो हमारी गई है, उन दोनों रोड के जितने जर्जर तार और पोल है, इस पे 125 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत कराया है, जिससे इसके सारे खंभे सारे तार बदल दिए जाएंगे। और 32 करोड़ रुपया इस विधानसभा में पोल और तार बदलने के लिए आया है कि जो गांव में जर्जर पोल और तार हैं इस तरीके की, और जो इंडस्ट्रियल एरिया में भी जिन तारों की वजह से लाइट प्रॉपर नहीं जा पा रही, वो भी उसमें है कि निश्चित तौर पर वो जब काम पूर्ण हो जाएगा, काम की शुरुआत हो गई है और काम जिस दिन पूर्ण होगा 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो बिजली की काफी हद तक समस्याएं हम लोगों की खत्म हो जाएंगी। उसमें कई जगह ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन भी है कि जिसमें जहां 63 केवी ट्रांसफार्मर है उसको अपग्रेड करके 100 केवी में किया जाए, जहां 25 है उसको 63 किया जाए। इस तरीके से करीब 32 करोड़ रुपए हमारे विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग में आया है और 125 करोड़ रुपया मैंने अपने व्यक्तिगत उससे स्वीकृत कराया है कि जिसमें हमारे सारे पोल्स हमारे नगर पालिका के बदल दिए जाए। देखिए, आर्थिक मदद ऐसी चीज है कि आर्थिक मदद हम करते रहते हैं, जैसे सब्जी मंडी में आग लगी थी उसमें मैंने मदद किया, जैसे बेटियों की शादी होती है, कई लोगों के कर्म होते हैं, कई जगहों पे मंदिर के निर्माण हैं, कई जो व्यक्तिगत इस तरीके से हैं, तो देखिए मदद किसी की भी की जाए तो वो अपनी आस्था पे होती है और मदद का प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रचार करके हम मदद नहीं करते, मदद तो हम प्रतिदिन 10-5 लोगों की मदद, ऐसा कोई दिन मेरे जीवन का नहीं बीतता है जिस दिन मैं 2-4-10 लोगों की मदद ना कर रहा हूं। इस चिकित्सा में, चिकित्सा एक ऐसी चीज है मनुष्य के जीवन में, जो बीमार है जिसको आवश्यकता है उसके लिए सबसे जरूरी चीज उसको स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको आर्थिक सहयोग, उसकी मदद उसको मिल जाए, इसके लिए करीब 2 करोड़ रुपए से ऊपर, 225 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने करीब 40 लोगों की मदद कराई है और व्यक्तिगत हमने कम से कम 15 लोगों को अपनी निधि से पैसा दिया है। और जैसे अभी एक मगहर के थे, उनका पैर नहीं था, उनको पैर लगाने के लिए उनको पैसा दिया करीब 4.5 लाख रुपए मैंने। इस तरीके से आज भी अस्पताल में, आज की तारीख में 4 पेशेंट को हम एडमिट कराए हैं मेडिकल कॉलेज से लेके प्राइवेट अस्पताल में लखनऊ में, जिनको आर्थिक रूप से भी उनकी मदद करा रहे हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ लोगों की मदद कराए हैं। तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, स्वास्थ्य मदद करने के लेकर के क्षेत्र में हमारे किसी को भी, कोई भी हो, अमीर गरीब, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो निश्चित तौर पे हम उसके साथ हैं, उसकी जितनी मदद कर पाएंगे करेंगे आगे भी।